हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इन एक्सप्लेन यू सोलूशन नंबर 1 इज वॉट इज द टर्म यूज फॉर सेक्रेशन ऑफ एंड लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी अब बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो है वो कुछ सिक्रेट करती है जिससे हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं आंसर इज द टर्म यूज फॉर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन लेंस इज हॉर्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी अब ये एंडोक्राइन लेंस के अंदर से जो सिक्रेट होता है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं एंड हार्मोन्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर वेरियस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्स्ट इज डिफाइन एडोलसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ द बॉडी चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस अब हमारे लाइफ के अंदर एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है उसको एडोलसेंस बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज

फर्टिलाईजेशन डो नॉट अकर द इनर लिनिंग ब्रैक्स अवे एंड कम्स आउट थ्रू द वजा फॉर थ्री टू फाइव डेज इट अकर्स इन ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज अब ये मैं क्या है तो एवरी मंथ फीमेल के बॉडी के अंदर ना एग्ज रिलीज होते हैं और ये साइकिल ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज में रिपीट होती है अगर जब ये एग रिलीज होते हैं उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है न यूट्रस जो है उसके अंदर जो ये इनर लिनिंग होता है वो रिलीज होता है और उसके साथ साथ ब्लड का भी फ्लो होता है जिसको मैंस्टुएशन बोला जाता है ईच मंथ यूट्रस जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो तो उसका फर्दर डेवलपमेंट उसके अंदर हो सके बट इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये पूरा जो है वो इनर लिनिंग ब्रेक होकर बाहर आता है और ये ऑलमोस्ट जो ब्लीडिंग होता है ब्लड का जो फ्लो होता है वो थ्री टू फाइव डेज के लिए होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट चेंजेस इन बॉडी दैट टेक प्लेस एट पोबर्टी अब हमारे बॉडी के अंदर पोबर्टी की एज पे जो टीनेज होती है उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं आंसर इज फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस एट पोबर्टी अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं वन बाय वन देखने हैं फर्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच बिगिन टू फंक्शन अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनका ग्रोथ होता है जिससे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है हेयर ग्रोथ एट वेरियस प्लेसेस ऑफ द बॉडी ब्रेस्ट डेवलप्स इन गर्ल्स एंड फेशियल हेयर अपियर इन बॉयज अब वेरियस बॉडी पार्ट के अंदर हेयर का ग्रोथ होता है गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और बॉयज के अंदर फेशियल जो हेयर है वो अपीयर होना स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट इज वॉइस ऑफ द बॉयज बिकम्स होज एज एनलार्ज ड अब बॉयज का जो वॉइस है ना वो काफ़ी डीप हो जाता है बिकॉज उस टाइम पे वॉइस बॉक्स जो है वो एनलार्ज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ टेबल हैविंग टू कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन लैंड एंड हारमोन सिक्रेटेड बाई दैम अब हमें कुछ एंडोक्राइन लैंड के नाम लिखने हैं और उसके सामने हारमोन्स जो सिक्रेट करते हैं वो लिखना है फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड इट रिलीज ग्रोथ हारमोन्स पेट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हारमोन्स रिलीज करती है सेकेंड वन इज ओवरिज विच रिलीज एस्ट्रोजन अब ये जो ओवरेज होती है वो एस्ट्रोजन को रिलीज करती है नेक्स्ट वन इज टेस्टिज ये ओवरीज जो है वो फीमेल के अंदर होती है एंटेस्टिज ये मेल के अंदर ये ग्लैंड होती है उसके अंदर से testosterone, जो है वो hormones, रिलीज होते हैं नेक्स्ट इज थायरॉइड विच रिलीज थायरोक्सिन पैनक्रियाज रिलीज इंसुलिन इफ पैनक्रियाज डज नॉट वर्क प्रोपरली अगर पैनक्रियाज ग्लैंड जो है ना वो प्रोपरली वर्क नहीं करती है देन इंसुलिन जो हमारे बॉडी के अंदर है वो बैलेंस नहीं रहता एंड बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है एंड जो पर्सन है उसको डायबिटीज होता है नेक्स्ट वन इज एड्रिनल ग्लैंड रिलेज रिलीज इन हॉर्मोन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सेक्स हॉर्मोन्स व्हाई आर दे सो स्टेट देयर फंक्शन अब सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं ऐसा नाम क्यों दिया है और उसका फंक्शन क्या है दैट वी नीड टू आंसर आंसर इज टेस्टीज एंड ओवरेज सीक्रेट सेक्स हारमोन फर्दर द सेक्स हारमोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हारमोन्स फ्राम द पेड्यूटरीज एंड ओवरेज जो है उसके अंदर से सेक्स हारमोन्स रिलीज होते हैं और ये जो हारमोन्स होते हैं वो मेल एज वेल एज फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइक गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है एंड बॉयज़ के अंदर मोस्टिक एंड बियर्ड का डेवलपमेंट होता है फेशियल हेयर जो है वो अपीयर होते हैं जिससे हम मेल एंड फीमेल को इजीली डिस्टिंग कर पाते हैं इसीलिए इनको सेक्स हॉर्मोन्स बोलते हैं बिकॉज इससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है और ये जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन इज एडल शुड बी केयरफुल अबाउट वॉट दे इट बिकॉज ऑप्शन आर प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन्स प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी थर्ड ऑप्शन इज एडलसेंस फील हंग्री ऑल द टाइम एंड लास्ट ऑप्शन इज टेस्टिज बर्थ्स आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर्स अब रीज़न क्या है क्यों हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जब एडलसेंट्स की एज पर होते हैं लाइक like, आपकी जो भी एज है वो एडलसेंट्स की ही एज है तो आपको प्रॉपर डाइट क्यों लेनी चाहिए प्रॉपर डाइट से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है प्रॉपर डाइट जो है वो आपके बॉडी के रेपिड ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है एडलसेंट्स जो है उनको ऑल टाइम भूख लगती है और टेस्ट बर्ड्स जो है वो अच्छे से डेवलप होते हैं टीनेजर्स में इसीलिए उनको अलग अलग चीज़ें खाने का मन होता है दीज आर दी ऑप्शन करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रेपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन दर बॉडी आपके बॉडी के अंदर ना अभी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका रैपिड ग्रोथ होता है इसीलिए आपको प्रॉपर डाइट की रिक्वायरमेंट होती है दैट्स वाई यू शुड बी केयरफुल वो डू यू इट क्या आप खाते हो उसकी आपको केयर करनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्टिव एज इन वूमन स्टार्ट्स व्हेन देयर ऑप्शन आर मैंट्रुएशन स्टार्ट ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग बॉडी वेट इंक्रीजेस हाइट इंक्रीजेस अब रिप्रोडक्टिव एज जो है वो वुमेन में कब स्टार्ट होती है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वेट इंक्रीज होता है या हाइट इंक्रीज होती है आंसर इज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है इट इंडिकेट्स कि रिप्रोडक्टिव एज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है रिप्रोडक्टिव मैचोरिटी जो है वो आ चुकी है नेक्स्ट वन इज द राइट मील फॉर एडलसन कंजिस्ट ऑफ ऑप्शन आर चिप्स नूडल्स कोक चपाती दाल वेजिटेबल्स राइस नूडल्स बर्गर वेजिटेबल कटलेस चिप्स एंड लेमन ड्रिंक अब हमारे लिए आपकी जो एज है उन सब के लिए आ, आप सब एडलसेंट्स हो तो आप सबके लिए इन सब में से कौन सा जो फूड है वो प्रॉपर है कौन सा मील प्रॉपर है आंसर इज चपाती दाल एंड वेजिटेबल्स बिकॉज ये जो है वो बैलेंस डाइट है चिप्स या नूडल्स या तो फिर आपको बर्गर से या चिप्स और लेमन ड्रिंक इन सबसे सफिशियंट न्यूट्रिय नहीं मिलते हैं सो चपाती दाल एंड वेजिटेबल इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फर्स्ट वन इज एडम्स एप्पल आंसर इज एट पुबर्टी द वॉइस बॉक्स और दरिंग्स बॉक्स टू ग्रो बिगिन ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन दी बॉइज कैन बी सीन एज प्रोट्रोडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कोल्ड एडम्स एप्पल जब वो बटी की एज आती है तब वॉइस बॉक्स जिसको हम लेरिक्स बॉक्स भी बोलते हैं उसका ग्रोथ होता है और ये जब ग्रोथ होता है न तब उसका पार्ट जो है न प्रोट्रोडिंग पार्ट वो बाहर की साइड थ्रोट पर दिखता है जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स

मेल एंड फीमेल को इजीली डिस्टिंगश कर सके देख के ही पता चल जाए कि ये मेल है या फीमेल है तो जनरली गर्ल्स के अंदर एडोल्सेंट की एज में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है एंड बॉयज़ के अंदर जो फेशियल हेयर्स आते हैं लाइक मूझे एंड ये बीयड आती है एंड जो वॉइस है ना वो पूरा क्रैक होता है कंप्लीटली चेंज होता है इन सब कैरेक्टर्स को हम सेक्शुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं

वो मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं मेल जो है वो टू टाइप के कैमट्स यानी कि टू टाइप के एग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं X क्रोमोजोम वाले स्पर्म्स होते हैं और हाफ स्पर्म्स जो है वो वाइट वाई, वाई क्रोमोजोम के होते हैं अगर वाई क्रोमोजोम वाला जो स्पर्म है वो फीमेल के एग के साथ फ्यूज होता है फीमेल के अंदर दोनों एक्स ही होते हैं राइट सो तो फीमेल का एक्स एंड मेल का वाई अगर फ्यूज होते हैं तो जो बेबी बोर्न होगा वो मेल होगा सो तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं वो मेल के सारे बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट होते हैं बट अगर एक्स क्रोमोजम वाला अगर स्पर्म जो है वो एक्स के साथ फर्टिलाइज होता है तो दोनों एक्स एक्सपायर बनती है यानी कि जो बेबी है वो यूट्रस के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है दैट वुड बी अ फीमेल हियर यू कैन सी यहाँ पे ये दोनों एग्स है स्पर्म अगर एक्स वाला है सॉरी वाई वाला है तो यहाँ पे बेबी बॉय होगा एंड एक्स वाला स्पर्म है देन बेबी गर्ल सो so, इसके अंदर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर इट वुड बी अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड गेम यूज द क्लू टू वर्क आउट द वर्ड्स अब आपको वर्ड्स जो है वो फाइंड करने हैं कुछ क्लूज दिए गए हैं दिस वन इज द पजल दैट वी नीड टू सॉल्व फर्स्ट वन इज प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज अब वॉइज का जो वॉइस बॉक्स होता है ना बॉयज का उसको हम क्या बोलते हैं जो बाहर की साइड दिखता है दैट इज एडम्स एप्पल here you can see this portion is known as adam's apple next one is इज without ducts ऐसी ग्लैंड का नाम बताना है जिसमें डक्स नहीं होते हैं आंसर इज एंडोक्राइन बिकॉज एंडोक्राइन लेंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रिलीज होते हैं नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन अब कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ब्रेन से अटैच होती है

नेक्स्ट वन इज फीमेल हॉर्मोन दे आर नॉन एज एस्ट्रोजन फीमेल हॉर्मोन को एस्ट्रोजन बोला जाता है नाउ डाउन अक्रोच सारे सॉल्व किए अब डाउन सोल्व करने हैं फर्स्ट वन इज द मेल हॉर्मोन मेल हॉर्मोन जो है उसको हम क्या बोलते हैं दे आर नॉन एज टेस्टोस्ट्रियोन नेक्स्ट वन इज सीक्रेट्स थाइरोक्सिन अब कौन सी ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन नाम के हार्मोन्स को सिकलेट कर सिक्रेट करती है दैट इज थ नेक्स्ट वन इज अनदर टर्म फॉर टीनेज टीनेजर्स को हम और क्या बोलते हैं एडोलसेंस नेक्स्ट वन इज हार्मोन्स रिचेज हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम हार्मोन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचते हैं दैट इज टारगेट साइट जो ये एंडोक्राइन लेंस होती है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और जहाँ पे ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम टारगेट साइट बोलते हैं नेक्स्ट वन इज वॉइस बॉक्स विच इज नॉन एज लैरिंग्स टर्म फॉर चेंजेस एट एडलशंस एडलशंस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इट इज नॉन एज दर्टी Now, next question. The table below shows the data on likely height of boys and girls as they grow in age. Draw graph showing height and age for both boys and girls on the same graph paper. What conclusion can be drawn from these graphs? अब हमें यहाँ पे एक टेबल दिया है और उसके साथ एक ग्राफ भी दिया है यहाँ पे एज दी है यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की हाइट्स दी है इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट किया है कि कौन सी एज पे कितनी हाइट होगी अब इसके ऊपर से हमें कुछ कंक्लूड करना है लाइक हियर यू कैन सी फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री ऑलमोस्ट सिमिलर है फिर यहाँ पे बॉयज़ की जो हाइट है वो आप देख सकते हो एट ईयर तक ज़्यादा है जैसे ही एडलसेंस का पीरियड स्टार्ट होता है गर्ल्स की हाइट जो है ना वो आप देख सकते हो वन थर्टी थ्री देन ऑलमोस्ट सिक्सटीन पे सिमिलर एंड ट्वेंटी पे बॉयज़ की हाइट ज़्यादा है सो वॉट वी कैन कंक्लूड फ्राम दिस फ्राम दबो ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट इनिशियली बॉयज ग्रो फास्टर दैन गर्ल्स फ्राम जीरो टू एट ईयर्स एंड गर्ल्स ग्रो फास्टर एट टू सिक्सटीन ईयर्स बट बोथ रिज्यूज देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ ट्वेंटी हियर बॉयज शो अ ग्रेटर इंक्रीज इन हाइट दैन गर्ल्स अब इस ग्राफ से क्या पता चलता है कि जीरो से एट ईयर्स की एज में अगर आप करोगे कंपेयर तो इनिशियली बॉयज़ का जो हाइट है वो ज्यादा होती है बॉयज़ की हाइट जो है वो ज्यादा इंक्रीज होती है बट एज से लेके ट्वेल्व ईयर्स की एज की बात करें अप टू सिक्सटीन ईयर्स तो गर्ल्स की जो हाइट है वो ज्यादा होती है यानी कि गर्ल्स का जो ग्रोथ है वो फास्टर होता है बट ट्वेंटी ईयर्स की एज पे दोनों अपनी अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं और अगर ट्वेंटी ईयर्स की एज पे देखोगे तो बॉयज़ जो है वो ऑलमोस्ट वन ऑन एन एवरेज वन सेवेंटी थ्री सेंटीमीटर जितनी हाइट के होते हैं जबकि गर्ल्स जो है वो वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर जितनी ऑन एन एवरेज हाइट होती है सो वी कैन से दैट बॉयज़ जो है वो टॉलर होते हैं एज कंपेयर टू दी गर्ल्स ये जो हाइट्स यहाँ पे दी है दीज आर दी जनरलाइज डेटा ये पर्टिकुलर कंपल्सरी ऐसा नहीं है कि एट द एज ऑफ ट्वेंटी बॉयज़ जो है वो सिर्फ वन सेवेंटी थ्री सेंटीमीटर के ही होते हैं माइट बी पॉसिबल कुछ बॉयज की हाइट उससे ज्यादा भी हो सकती है किसी की से कम भी हो सकती है सेम केस कैन बी हैपन इन गर्ल्स एज वेल हियर आई हैव एक्सप्लेन यू एंटायर एक्सरसाइज थैंक यू